अपने शरीर में ताकत कैसे बढ़ानी है, ये आज की कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल सभी युवा चाहते हैं कि उनके शरीर का वजन बढ़े, उनका शरीर दुरुस्त और तंदुरुस्त दिखाई दे, उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़े, और इन सब के लिए वो अत्यधिक भोजन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका वजन बढ़ सके, या फिर वो ऐसी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका वजन बढ़ सके। जैसे कई लोग मांसाहार हैवी भोजन खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कई बार लोग बाजार में मिलने वाली ऐसी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं जो ये बताती हैं कि 7 दिन इसको खाओ और आपका वजन बढ़ जाएगा। आजकल बाजार में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका प्रयोग करने से आपके शरीर का वजन कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ तो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है उनको लेने से आपके शरीर को कितना नुकसान होता है। आप उनको लेकर बड़े खुश होते हैं कि अरे देखो, मेरा तो 7 दिन में ही वजन बढ़ गया, लेकिन आपका ये वजन नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा है, और जो चीज नेचुरल तरीके से नहीं होती है वो आपको नुकसान ही पहुंचाती है। बाजार में मिलने वाली ये चीजें आपका वजन तो बढ़ा देगी, लेकिन आपको वह ताकत नहीं दे पाएगी जो ताकत आपको चाहिए। बाजार में मिलने वाली प्रत्येक चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट बहुत ही महंगे होते हैं, जिससे हर कोई व्यक्ति उन्हें खरीद नहीं पाता है। इसीलिए अगर आपको वजन बढ़ाना है, शरीर में बल बढ़ाना है, अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिए। कुछ चीजों का नियमित रूप से प्रयोग करने से आपके शरीर का बल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। एक बार एक गुरु, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने शिष्य को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बता रहे थे। तभी उनका एक शिष्य खड़ा होता है और अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, आज आप हमें कुछ आसान सा ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपने शरीर में बल और ऊर्जा का स्तर बढ़ा सके। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर हमें अपने शरीर में बल और ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है तो हमें रात्रि में इन 4 चीजों को भिगो कर रख देना है और सुबह उठकर इनका सेवन करना है। तब उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, वह 4 चीजें कौन सी है जिनका प्रयोग हमें करना है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको जो भी बताऊं उसको बड़े ध्यान से सुनना। कई बार व्यक्ति अपना वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा खाना शुरू कर देता है, लेकिन अधिक मात्रा में खाना खाने से अधिक पौष्टिक तत्व उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे उनके पाचन तंत्र पर दबाव बनता है। बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जिसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही है। फिर चाहे वह कितनी ही सात्विक क्यों ना हो, कितनी ही हल्की क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, और कितने ही पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसका कम मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है, वो पूरी हो जाएगी, और उनसे आपके पाचन तंत्र पर कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा, और आपकी जो रिकवरी है जब आप कोई व्यायाम करते हैं, किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी भी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, या फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या पूर्व में आपने ब्रह्मचर्य नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में इन चीजों का प्रयोग करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आपको रात्रि में इन 4 चीजों को भिगो कर रख देना है, और सुबह उठकर जिस विधि से मैं आपको बताऊं उस विधि का प्रयोग करते हुए इनका सेवन करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके इतने अच्छे लाभ प्राप्त होंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसके साथ ही आप जो भी दिन में आपका सात्विक आहार लेते हैं उसको भी लेते रहिए। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह है मनुका का, आपको काला वाला लेना है। काला मनुका आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग कहते हैं कि काला मनुका खाने से शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही तरीके से जो विधि मैं आपको बताऊं उस विधि से इस मुनक्का का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी गर्मी नहीं बढ़ेगी, और फिर चाहे मौसम सर्दी का हो या फिर गर्मी का हो, हर मौसम में आप इसका ठीक से प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि मनुक्का को हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत शीत वीर्य कहा गया है,
यानी कि यह आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएगा। काला मनुका टॉनिक की तरह काम करता है। आपके शरीर में 7 धातु होते हैं। 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मनुका विशेष रूप से कार्य करता है। पहला धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है वीर्य, यानी कि काला मनुका वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपके वजन को भी यह बढ़ाने में सहायक होता है और साथ ही आपके खून को भी तेजी से बढ़ाता है। इसीलिए जिनके शरीर में रक्त की कमी है उनको काला मनुका दिया जाता है। काला मनुका शीत वीर्य है, इसीलिए यह गर्मी नहीं बढ़ाता है। इसीलिए यह हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनका सुबह सुबह मलनिष्कासन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, उनके लिए भी मनुका बहुत ही अच्छा है। मनुका प्रयोग करने से मल का निष्कासन ठीक प्रकार से होना शुरू हो जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। इसको आप ध्यान से समझ लें। आपको एक पात्र लेना है, पात्र कांच का या मिट्टी का या फिर चीनी का हो सकता है। फिर उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और फिर उसी पात्र में आपको रात्रि में 15 मिनट में भिगो कर रख देने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है। फिर गुरु सभी शिष्यों को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, दूसरे स्थान पर जिस चीज का आपको प्रयोग करना है वह है अंजीर। यह बहुत ही ज्यादा बल बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और साथ ही साथ यह एक विशेष रूप की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर जाता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हुई है और आपको उससे रिकवरी चाहिए तो उस रिकवरी के लिए आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो और उनके शरीर को रिकवरी तेजी से चाहिए, तो उनको अंजीर का प्रयोग करना चाहिए। मैं बता दूं कि आपको कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। देखिए, हमारे आयुर्वेद में इसको गुरु कहा गया है, यानी कि यह पचने में बहुत भारी होता है, तो अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो वह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपको एक अंजीर से शुरू करना होगा। फिर चाहे तो आप धीरे धीरे 2 अंजीर पर चले जाएं। 2 अंजीर का प्रयोग आपको सुबह सुबह करना है। अगर आप सुबह सुबह 2 अंजीर का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। लेकिन तुरंत ही 4, 5, 6 अंजीर भिगो दिए और उनका प्रयोग सुबह उठकर आप करने लगे तो ये आपके लिए बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में कितना लग रहा है। अगर आपने खाया और वह बाहर निकल गई, आपके शरीर को पूरा नहीं लग पाई, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपका धन भी खर्च हो जाएगा। तो 1 या 2 की मात्रा में आपको अंजीर प्रतिदिन सुबह खानी है। इसके लिए आपको कांच, चीनी या फिर मिट्टी का एक पात्र लेना है और उसमें पानी भरकर 1 अंजीर को डाल देना है। फिर उसे सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। अंजीर अनुलोमन की तरह कार्य करता है, साथ ही साथ क्षणित गुण इसका होता है, तो उसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। अंजीर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता रहता है, तो ये बहुत ही सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है और इससे शरीर की रिकवरी बहुत ही तेजी से होती है। और साथ ही साथ ये भी शीत वीर्य होता है। ऐसे में यह गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता है। ये मानक के की तरह शीत मीडिया है। इससे गर्मी आपको नहीं बढ़ेगी। आप निश्चित रूप से इसका सेवन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो शुरुआत वाली 2 चीजें हैं, ये शरीर में आपके गर्मी बढ़ाने वाली नहीं है। लेकिन जो 2 चीजें अब मैं आपको बताऊंगा वह शरीर में गर्मी को बढ़ाती है, इसीलिए इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको इनको ऐसे ही नहीं खा लेना है, इनको भिगोकर ही आपको खाना है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, तीसरे स्थान पर आपको बादाम का प्रयोग करना है। आपको बादाम का प्रयोग उसका छिलका उतारने के बाद ही करना है। जब आप बादाम को रात्रि में भिगो देते हैं तो सुबह तक वो बिल्कुल नरम हो जाती है, जिससे उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं जिससे उनका शरीर मजबूत होता है। ये बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे बेहतर है। इसका कुछ दिन प्रयोग करने से ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको रात्रि में भिगोना है और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। बादाम प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए।
ये बहुत उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है। बादाम हमारी हड्डियों से लेकर मस्तिष्क तक हर अंग को मजबूती प्रदान करता है। बादाम में एंटी कैंसर प्रभाव होता है जो कैंसर सेल लाइन को बढ़ाने से रोकता है, जिससे आपको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं होता है। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी, याददाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी से बचाव किया जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए बादाम का सेवन करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बादाम में विटामिन ई और जिंदगी भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह पोषक तत्व आंखों से जुड़ी हमारी सारी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है वो ऐसे हैं कि आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है, और इनका प्रयोग आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है, और 20 दिन के बाद आपको या तो 10 बादाम ही निरंतर लेने हैं, या फिर आप इसकी संख्या 10 से 15 भी कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के नियम के अनुसार 10 से 15 के बीच ही बादाम आपको रात्रि में भिगो कर रख देने हैं और उनका ही प्रयोग करना है। लेकिन शुरुआत आपको 5 बादाम से करनी है। इसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 बादाम आपके लिए आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही रहती है। गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। इसीलिए आपको इसके साथ साथ योग अभ्यास भी करने हैं, ताकि आपके शरीर में बल का बैलेंस ठीक रहे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बल आपके शरीर में बढ़ गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है, आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप जिम भी जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब आपको शरीर को कार्य करवाना है जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकले। जब आप शारीरिक कार्य करेंगे जैसे व्यायाम, जैम, एक्सरसाइज, तो इससे आप दिन भर सक्रिय रहेंगे, और आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब आपको चौथे स्थान पर अखरोट का प्रयोग करना है। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जो आपके शरीर को मजबूत करने वाली होती है। यह आपके वीर्य को बढ़ाता है, और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इसीलिए नौजवान लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ अखरोट आपकी स्मृति के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके दिमाग को अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी है। अखरोट आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं तो ये 4 चीजें आपके लिए बहुत लाभकारी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, अब आप यह समझ ले कि इन 4 चीजों का प्रयोग आपको कैसे करना है। तो वो इस प्रकार है, अब आपने जो मनुका भिगोया है, अंजीर भिगोया है, इसका जो पानी है इसका प्रयोग भी आपको करना है, और जो आपने अखरोट और बादाम भिगोया है इसका प्रयोग भी थोड़ा अलग तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको एक ग्लास दूध लेना है। आप चाहें तो आधा ग्लास दूध भी ले सकते हैं। फिर उस दूध को किसी बर्तन में डालकर उसे गैस या चूल्हे पर रखें। अब जब तक उस दूध में उबाल नहीं आए तब तक उसे गर्म करना है। जब उस दूध में उबाल आ जाए तब उसमें मुनक्का और अंजीर को डाल देना है। साथ ही साथ जो मनुका और अंजीर का पानी बचता है उसे भी आप उस दूध में डाल दें और उस दूध को अच्छी तरीके से पकाएं। इसके बाद अब आपके पास अखरोट और बादाम बचते हैं। उनको आपको सीधे ही दूध में नहीं डालना है। इससे पहले आपको अखरोट और बादाम का अच्छी तरीके से मर्दन करना है, यानी आपको एक ओली लेनी है और उस ओली में आपको बारीक बारीक उठना है। आपको तब तक उठना है जब तक वो पीस कर बिल्कुल बारीक ना हो जाए। बादाम और अखरोट को अच्छी तरीके से पीसने पर उसकी जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आपके पास जो अंजीर और मनुका डाला हुआ दूध है उसको ग्लास में डालना है और उसमें ये पिसा हुआ बादाम और अखरोट भी डाल देना है। आपके पास अखरोट, बादाम, मुनाफा और अंजीर का पेय तैयार हो गया है। जब इस तरीके से आप दूध का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये भारी नहीं रहता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से पचने वाला बन जाता है, और तुरंत ही आपके शरीर में लगने वाला पदार्थ
आपके पास तैयार हो जाता है और यह आपके शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत ही अच्छे बदलाव करता है, आपके शरीर की रिकवरी करता है। आप कोई भी व्यायाम करते हैं या आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय आप एक ऊर्जा महसूस करेंगे जो पहले आपने कभी नहीं की थी। आप हर कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको कभी थकान नहीं होगी। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, आसानी से आपको यह पच जाएगा। तो दोस्तों, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने की एक प्राचीन विद्या कौन सी है, इस विषय पर अगली गुरुवर और एक शिष्य की रहस्यमय कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर एक पौधे को पानी नहीं दिया जाए तो क्या वह पौधा विकसित हो सकता है? क्या उसमें फल फूल लग सकते हैं? नहीं ना, पानी के अभाव से वह पौधा सूख जाएगा। वैसे ही एक गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या फिर तेल की जरूरत होती है। अगर गाड़ी में डीजल, पेट्रोल या तेल नहीं डाला जाए तो वो आगे बढ़ेगी ही नहीं और पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही हम मनुष्य का शरीर है, अगर इसमें किसी भी चीज की कमी रहती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसमें धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं और ये बीमारियां हमें एक दिन नष्ट कर देती हैं। आजकल आधे से ज्यादा लोग अपने शरीर में खून की कमी होने के कारण हमेशा थके थके से रहते हैं। उनके शरीर में अनेकों बीमारियां घर कर लेती हैं और वो अपने खून की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में खून की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है तो आज मैं आपको इस कहानी में आयुर्वेद में बताए गए एक ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा जिसका 8 दिन सेवन करने से ही आपके शरीर में खून की कमी पूरी होगी और जीवन में कभी भी आपको आपके शरीर को खून की कमी नहीं होगी। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार आयुर्वेद एक गुरु एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह उन गांव वालों को स्वास्थ्य से जुड़े कुछ नियम बता रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक युवक ने उन गुरुदेव से पूछा, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा, और जब हमें उसके बारे में पता चल जाए कि हमारे शरीर में खून की कमी है तो हम उसे किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? कृपया करके आप हमें कुछ आसान सा तरीका बताइए जिससे हमारा ज्यादा धन व्यर्थ में खर्च भी ना हो और हमारे शरीर की खून की कमी वह भी पूरी हो जाए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, थोड़ा सा चलने फिरने में ही सांस फूलने लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं या चेहरा पीला पड़ जाता है तो हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा नुस्खा बताऊंगा जिसे अगर आपने 8 दिन लगातार आजमा लिया तो आपके शरीर में न सिर्फ खून की कमी पूरी होगी बल्कि आपका चेहरा खिल उठेगा और शरीर की ताकत और सहन शक्ति भी बढ़ेगी। बस आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजों का ध्यान रखना होगा। फिर गुरु उस पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खून की कमी आजकल बहुत देखी जाती है, 60% बच्चों में, 50% महिलाओं में और 25% पुरुषों में आज खून की कमी की शिकायत है। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि खून की कमी यानी अनामिया हमें तब होता है जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यहां हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही कम पहुंचे तो हमारे शरीर का हर एक अंग कमजोर पड़ने लगेगा और शरीर की शक्ति भी खत्म होने लगेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, जब ये हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो खून की कमी होती है और इसकी वजह से शरीर में कुछ खास लक्षण सामने आते हैं, जैसे हमेशा थकान महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, थोड़ा सा ही चलने फिरने में सांस का फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, चक्कर आना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, सर में दर्द होना, आंखों के नीचे सतह पर सफेदी आना, चेहरा बेजान सा और पीला पड़ जाना, बाल झड़ने लगते हैं, नाखूनों में पीलापन आता है और नाखूनों का जल्दी टूटना, मुड़ना, चिड़चिड़ा होना और चौक बर्फ, मिट्टी खाने की इच्छा होना। अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ये खून की कमी की ओर इशारा करते हैं। और खून की कमी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आयरन की कमी होना।
क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर को आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बनेगा, जिससे खून की कमी होगी। इसीलिए अगर आप हरी सब्जी कम खाते हैं या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है। महिलाओं को मासिक पाली के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का होना भी शरीर में खून की कमी का कारण बनता है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि अक्सर लोग खून की कमी को पूरा करने के लिए जो गलती करते हैं कि वो सिर्फ आयरन की गोलियां लेते हैं, और बहुत बार ये दवा या तो सूट नहीं करती है या फिर असर नहीं करती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आयरन को अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए शरीर में विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ आयरन लो और शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो इससे शरीर को फायदा नहीं होगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसा जूस बताने वाला हूं जो कि आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। इस जूस को बनाने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, चुकंदर, आंवला और गाजर। और ये तीनों चीज आपके हीमोग्लोबिन को 8 दिन के अंदर अंदर बढ़ा देगी। इस जूस को बनाने के लिए जो आपको पहली चीज की आवश्यकता है वह है चुकंदर। चुकंदर में ना सिर्फ भरपूर मात्रा में आयरन होता है बल्कि इसमें फोलिक एसिड की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जिससे खून की कमी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है। यह रंगीन सब्जी विटामिन और मिनरल्स से भी भरपूर होती है। आप बस ये समझ लीजिए कि खून की कमी को पूरा करने के लिए चुकंदर बेस्ट है। आयुर्वेद में बताया गया है कि चुकंदर शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जिससे जल्दी थकान नहीं होती है, और बॉडी में कहीं भी सूजन है तो ये उसे भी ठीक करती है। चुकंदर ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से ब्रेन डैमेज या डिबेट्स या हो सकता है। पैसे में चुकंदर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करने और कॉग्निटिव कामों को नुकसान से बचाने में आपकी मदद करता है। चुकंदर मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सहायक माना जाता है। इसमें मौजूद को हलीम याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। अगर दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको चुकंदर का प्रयोग अवश्य करना होगा। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट खून के दबाव को कम करता है और इसमें पाए जाने वाले बियोटीन खून को जमने से रोकते हैं। इस तरह से चुकंदर दिल से संबंधित बीमारियों के लिए भी मददगार साबित होता है। चुकंदर में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मददगार है। अगर आपको कब्ज या गैस की समस्या रहती है तो वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज है गाजर। दोस्तों, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जिससे शरीर में विटामिन ए बनता है, और विटामिन ए जीवों के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा गाजर विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि गाजर खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है और साथ ही यह आपकी स्किन, हार्ट और लिवर के लिए भी बेहतर है। गाजर खाने से न सिर्फ शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि कई शारीरिक बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। गाजर में जो बीटा कैरोसिन पाया जाता है वह उम्र के कारण होने वाली आंखों की समस्या से आराम दिलवाने में लाभदायक होता है। नजर और खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है और रोग के जोखिमों को कम करता है। गाजर फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। फाइबर की मदद से मल त्यागने में मदद मिलती है। गाजर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मददगार है। इसकी मदद से भोजन अच्छी तरीके से पच जाता है। गाजर नाइट्राइट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यह नाइट्राइट रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह पोटासियम का भी एक अच्छा स्रोत है, और पोटासियम उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रभावी है। गाजर खाने से हड्डियां मजबूत होती है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है। तीसरी चीज है आंवला। आंवला न सिर्फ आपके खून को बढ़ाता है बल्कि खून को साफ भी करता है। हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, और जितना विटामिन सी 40 संतरों में होता है उतना विटामिन सी
केवल एक आंवला में होता है, और यही नहीं, आंवला में आयरन भी होता है, और इस जूस में आंवला डालने से जूस का स्वाद बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आंवला खून को साफ करने के साथ दस्त, मधुमेह, जलन की परेशानी में भी राहत पहुंचाता है। इसके साथ ही यह जॉन्डिस, हाइपर एसिडिटी, अनियमित या रक्तपित्त यानी नाक कान से खून बहने की समस्या और वातपित्त के साथ साथ बवासीर में भी फायदेमंद होता है। यह मल त्याग करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह सांसों की बीमारी, खांसी और कॉफ संबंधित रोगों से राहत दिलाने में सहायता करता है। आंवला आंखों की रोशनी को भी बेहतर करता है। इसमें अम्लीय गुण होने के कारण यह गठिया में भी लाभ पहुंचाता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि इस जूस को बनाने के लिए आपको एक चुकंदर लेना है और उस चुकंदर को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और फिर दो गाजर लेनी है। गाजर आपको लाल कलर की लेनी है और उसको भी काट काट कर छोटे छोटे कर लेने हैं, और फिर एक आंवला लेना है, अंगुले को काट कर उसकी गुठली निकाल देनी है। अब तीनों को मिक्सी के जार में डाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, फिर इसे मिक्सी में पीस लें। जब यह अच्छे से पीस जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े के माध्यम से छान लें। वैसे अगर आप इसे बिना छाने भी पीना चाहते हैं तो इस जूस को आप बिना छाने भी पी सकते हैं। बिना छाने पीने से यह आपको और भी ज्यादा लाभ देगा, क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स और फाइबर वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको बिना छाने पीने में मुश्किल होती है तो आप इसे छान कर भी पी सकते हैं। इस जूस का स्वाद बड़ा ही अच्छा होगा। यह प्राकृतिक रूप से खट्टा मीठा रहता है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो इसको मीठा करने के लिए आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। आपको यह जो सुबह के समय पीना है, जब आप नाश्ता करते हैं तो उससे एक घंटे पहले आपको यह जूस पी लेना है। जैसे आपने सुबह उठकर गुनगुना पानी पिया, पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर आए, इसके बाद आप इस जूस को पी लें और एक घंटे के बाद आप नाश्ता करें। इस समय पीने से आपको इस जूस का भरपूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इस जूस को दोपहर में भोजन के एक घंटे पहले भी पी सकते हैं, या दोपहर के समय भोजन के दो घंटे बाद भी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जूस को शाम के 6 बजे के बाद ना पिए, क्योंकि जब आप 6 बजे के बाद इस जूस को पीते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी इस जूस को जल्दी जल्दी ना पिए, बल्कि धीरे धीरे पिए। इससे यह शरीर में अच्छे से जाएगा और आपके शरीर को पूरा फायदा देकर आएगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि जब इस जूस को लगातार 8 दिन तक पीते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी त्वचा पहले से भी साफ दिखती है, बिखरी बिखरी दिखती है। इससे शरीर में ताकत बढ़ेगी, बालों का झड़ना कम होगा, आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे। गुरु सभी से कहते हैं कि आप लोगों को यह लग रहा होगा, यह जूस 8 दिन तक ही क्यों पीना चाहिए और इसका असर 8 दिन के बाद ही क्यों दिखाई देता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती हैं। पहली रस, दूसरी रथ यानी खून, तीसरी मांस यानी मांसपेशियां, चौथी मेद यानी बसा, पांचवीं अस्थियां यानी हड्डी, छठी मजमा और 7वीं शुक्र, और एक धातु बनने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। इन धातुओं में पहली धातु है रस और दूसरी धातु है रक्त। इसीलिए 8 दिन लगातार इस जूस का सेवन करने से आपकी रक्त धातु में इसका असर दिखाई देगा, आपका खून 8 दिन में बढ़ जाएगा। आप इस जूस को जब तक चाहें तब तक पी सकते हैं। ये जूस आपको सर्दियों में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये जूस आपके शरीर के अंदर खून की कमी को बहुत ही तेजी से रिकवर करेगा और आपकी त्वचा में निखार लेकर आता है, जिसे आप 50 साल की उम्र में भी 25 साल के नजर आएंगे। ये जूस आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके शरीर को फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि इस जूस के अलावा आपको ऐसी चीजें खानी है जिनमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे संतरा, मौसम्बी, चुकंदर, नींबू। इन सभी चीजों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नींबू आपको हर मौसम में अवेलेबल रहता है, इसीलिए आप दिन में 2-4 बार नींबू पानी अवश्य पिए। विटामिन सी के साथ आपको हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। इसमें क्लोरोफिल होता है जो आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून ज्यादा बनता है और शरीर में खून की कमी नहीं होती है। जैसे पालक,